आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। हेमंत सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज देवघर के केकेएन स्टेडियम में विकास मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य स्तरीय समारोह का लाइव टेलीकास्ट कराकर किया गया, जिसमें देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि इस विकास मेले में सरकार के द्वारा एक साल में किए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखा गया, जिसके लिए स्टेडियम में 25 स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा देवघर के लिए 25 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि 125 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। विकास मेले में 25 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर 2000 दिव्यांग का प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। डीसी ने कहा है कि इन सभी योजनाओं से 20,000 लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पंप सेट, ट्राईसाइकिल और टोटो रिक्शा का भी वितरण किया गया। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। हम लोगों ने जो उद्घाटन और शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण जो आज जो किए हैं, तो 25 करोड़ लगभग के जो हम लोगों ने शिलान्यास किए हैं और 125 करोड़ जो है उद्घाटन और 25 करोड़ के ऊपर हम लोगों ने ये इसका परिसंपत्ति वितरण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उनका जो सोच है कि जो सभी को खासकर जो आउटरीच होना चाहिए हम लोगों का, तो आज 2000 दिव्यांगता प्रमाण पत्र हम लोगों ने तैयार कर दिया। कितने लाभुकों के जो आज जो है, देखिए तो सांकेतिक रूप से ऊपर जो हम लोगों ने दिए हैं वो कम है, लेकिन अभी पूरा आप लोग इसमें देखेंगे स्टॉल्स में जो हमारे जो 25 स्टॉल्स लगे हुए हैं उधर बहुत सारे लोग हैं, और जो आज हम लोगों ने जो बांटे हैं जो परिसंपत्ति, इसमें 20,000 के ऊपर भी लोग जो है लाभान्वित होंगे।